हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीत्स किचन में। आज हम बनाएंगे गंगवाल खम्मन ढोकला मिक्स पैकेट से। सुपर टेस्टी खम्मन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनके रेडी होता है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ढोकले का पैकेट लेंगे। इसमें से आधा मिक्सचर निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ढोकले का घोल तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई गांठ ना रह जाए। हमारा बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। खम्मन का घोल बनके रेडी है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम उस बर्तन को रेडी करेंगे जिसमें हमें ढोकला बनाना है। इस थाली में अच्छे से तेल लगाकर चारों तरफ से इसे रेडी कर लेंगे। अब इस ढोकले के बैटर को थाली में डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। एक कढ़ाई में पानी डालेंगे और ऊपर से स्टैंड रख देंगे। अब इस थाली को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और ढोकले को भाप में पकने देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ हम 10-12 हरी मिर्चें लेंगे जिसे अच्छे से धो के बीच में से काट लेंगे। अब हम नींबू चीनी का घोल रेडी करेंगे। एक बाउल में नींबू का रस निकाल लेंगे। इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के घोल रेडी कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम खट्टा मीठा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, पैन में तेल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए उसमें राई डाल देंगे। राई जब अच्छे से चटक जाए उसमें करी पत्ता और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे आधा मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसके बाद आधा कप पानी डालेंगे और तैयार किया हुआ नींबू चीनी का घोल मिला देंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
तड़के को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ढोकला अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ढोकला ठंडा हो जाए उसके ऊपर तड़का डाल देंगे और पूरी तरह से फैला देंगे। अब चाकू से इसके मन चाहे पीसेस में काट लें ताकि ये तड़का का घोल अच्छे से ढोकले के अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाए। मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। ऊपर से हरा धनिया और नारियल का बूरा डालेंगे। ये देखिए हमारा खमन ढोकला कितना अच्छा बना है। यकीन मानिए ये खट्टा मीठा ढोकला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। तो आप भी इसे बनाएं और बना के इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।